हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स वाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखना और सही तरीके से इसको समझना कि ये जानकारी आखिर है क्या। तो दोस्तों मैं बता दूँ, जैसा कि आपने पढ़ा कि अब अथॉरिटी के अंदर कोई भी काम नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा उसको मैं कारण बताऊँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब अथॉरिटी में कोई काम नहीं होगा तो फिर अथॉरिटी बंद हो जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अथॉरिटी खुली रहेगी लेकिन वहाँ काम नहीं होगा, वहाँ सिर्फ अब दो काम होंगे। वो दो काम क्या होंगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और क्या क्या काम अब वहाँ पे नहीं होंगे उसकी भी मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार 3 डिप्टी कमिश्नर नियुक्त कर दिए गए हैं 13 ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के कामकाज को बेहतर बनाए जाने के लिए। तो दोस्तों ये जो काम चल रहा है ये इसीलिए चल रहा है, एक तो कोरोना महामारी होने के कारण भीड़ इकट्ठी ना हो, और सभी ड्राइवर भाइयों को इन दलालों से भी छुट्टी मिल जाए, क्योंकि अथॉरिटी में दलालों का काम बहुत ज़्यादा चलता है। अथॉरिटी में काम नहीं होते हैं इस चक्कर में दलालों की कमाई अच्छी होती है, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद वो दलाल तो हट जाएंगे लेकिन दूसरे दलाल बन जाएंगे। वो कौन से बनेंगे वो मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे बताऊँगा। तो दोस्तों आपने ये खबर तो देख ली, 3 डिप्टी कमिश्नर नियुक्त कर दिए गए हैं 13 ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए, और परिवहन सेवाओं में सुधार और शिकायत को जल्द से जल्द निपटाने के लिए ये 3 डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। अब दूसरी खबर दोस्तों ये है कि कैलाश गहलोत जी ने फेसलेस सर्विस दोस्तों उसको कहते हैं बिना चेहरे को, मतलब बिना अथॉरिटी जाए, बिना अपना चेहरा दिखाए अथॉरिटी में आप सारे काम घर बैठे करवा सकते हैं। तो बता दूं मैं दोस्तों आपको, फेसलेस सर्विस जो है इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, और कैलाश गहलोत जी ने सारी अथॉरिटी में आरटीओ ऑफिस में जाके वहाँ के एमएलओ से बैठकर बात की है और सारा उनको समझा दिया है और उनसे भी सारी चीज़ें समझ ली हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं ये जो सर्विस है 11/8/2021 को माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी इसको जो है पब्लिक के लिए शुरू करेंगे। वो क्या है कि 11/8/2021 को ये लास्ट डेट है दोस्तों अथॉरिटी में काम करवाने की, उसके बाद अथॉरिटी जाने का सिलसिला बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और सारे के सारे काम ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। वो क्या क्या काम ऑनलाइन होंगे उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, और क्या क्या ऑफलाइन होंगे मतलब ये है कि आपको अथॉरिटी में किस काम के लिए जाना पड़ेगा और किस काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा, वो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक आप सभी ड्राइवर भाई वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा दें, मैं आपको आगे की जानकारी देता हूं। जब आप लोग लाइक करते हैं दोस्तों तो हमें बहुत खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और हम और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा कोशिश करके आपके लिए ज़रूरी खबरें ढूंढ के लाते हैं। तो दोस्तों कैलाश गहलोत जी ने साफ कह दिया है, और हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी ने कह दिया है कि आप दिल्ली के अंदर जितनी भी अथॉरिटी हैं, जितने भी आरटीओ ऑफिस हैं, 11/8/2021 से उनमें सारे काम बंद कर दिए जाएंगे, सिर्फ दो काम होंगे, बाकी जितनी भी सर्विस होती हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं बता दूं ये जो ऑनलाइन वाले हैं पहले से ही पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं किसी भी काम करवाने के, जैसे आपने लाइसेंस रिन्यू कराना हो या कुछ भी कराना हो ऑनलाइन काम, तो ये बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएँ अब सिर्फ ऑनलाइन हो जाएंगी तो उनकी तो समझो चांदी ही चांदी बन जाएगी, क्योंकि उनको पता है ऑटो टैक्सी या जो भी ई रिक्शा वाले हैं या ग्रामीण सेवा वाले हैं ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे
नहीं होते हैं और इनको जानकारी भी नहीं होती है, कंप्यूटर की जानकारी नहीं होती है, ऑनलाइन सर्विसेज की जानकारी नहीं होती है, इसीलिए वो हम ऑटो टैक्सी और ग्रामीण सेवा वालों को अब ठगना शुरू कर देंगे। एक तरफ तो दोस्तों फ़ायदा है कि हमें अथॉरिटी में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अथॉरिटी में जाने के बाद हमें अथॉरिटी के जो वहाँ अफसर बैठे होते हैं वो एक काउंटर से दूसरे काउंटर में, दूसरे काउंटर से तीसरे काउंटर में हमेशा भेजते रहते हैं और हमारा टाइम ख़राब करते हैं और हमारा काम भी नहीं होता। लेकिन ऑनलाइन हो जाने के बाद दोस्तों मैं बता दूं, हमें कहीं किसी भी काउंटर को चेंज नहीं करना है, सिर्फ़ एक साइबर कैफ़े वाले के पास जाना है और उसे अपना काम बताना है, जो भी हमें अपना काम करवाना है वो हमारा काम तुरंत हो जाएगा, हमें किसी दलाल से भी मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे दलाल के पैसे तो बचेंगे और हमारा काम भी एक ही जगह बड़े आसानी से हो जाएगा। लेकिन कुछ भाइयों को इससे नुकसान भी होगा, लेकिन काफ़ी ड्राइवर भाइयों को इससे फ़ायदा भी होगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये आप फोटो देख रहे हैं, इस पर कार्यालय स्वचालित ड्राइविंग परीक्षण केंद्र लोनी रोड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का है, जहां हमारे परिवहन मंत्री जी ने अभी पहले थोड़े दिन पहले ही वहां का दौरा किया था। अब देखिए दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस को छोड़कर बाकी सभी सर्विसेज ऑनलाइन, फेसलेस परिवहन सेवाओं की तैयारी पूरी। तो दोस्तों इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि 11 अगस्त 2021 के बाद ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस को छोड़कर बाकी सभी सर्विसेज अब ऑनलाइन होंगी। अथॉरिटी में सिर्फ आपका टेस्ट लिया जाएगा और आपकी गाड़ी की फिटनेस पास होगी, बाकी सारी सर्विस ऑनलाइन होंगी। ये सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। अब दोस्तों यहाँ पे भी देखिए, एक और आपको दिखाता हूँ, इसी महीने से शुरू हो सकती है दिल्ली सरकार की योजना, दिल्ली में घर बैठे लर्निंग लाइसेंस देने की तैयारी। तो दोस्तों अब लर्निंग लाइसेंस भी अगर कोई बनवाना चाहता है, जैसे किसी को नया लाइसेंस बनवाना है तो नया लाइसेंस बनवाने से पहले उसको लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है, तो वो लाइसेंस भी अब आपको घर बैठे ऑनलाइन ही मिल जाएगा, उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बताता हूँ दोस्तों, ये जो इन्होंने सर्विस चालू की है ऑनलाइन, इसमें हम ऑटो ड्राइवरों का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। फ़ायदा तो ये है दोस्तों, हमें काउंटरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वहाँ के लोग हमें इस काउंटर से उस काउंटर में भगाते रहते हैं, तो वो उस चीज़ से हमें छुटकारा मिल जाएगा, हमारा काम एक ही काउंटर पर हो जाएगा। और नुकसान बता दूँ, नुकसान ये है कि हमारा वहाँ काम फ्री में हो जाता था, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता था, सिर्फ वहाँ हमें फीस देनी पड़ती थी। लेकिन अब ये जो साइबर कैफ़े वाले हैं, अब इनको पता लग गया है कि सारे काम अब ऑनलाइन होंगे, अथॉरिटी में नहीं होंगे, तो वो हमसे किसी भी काम के डबल पैसे मांगेंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि कोरोना जाने के बाद अभी तक हमारा काम धंधा सही से उठा नहीं है और घर के खर्चे ज़्यादा हैं, लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, चाहे वो ऑटो चलाता हो, चाहे टैक्सी चलाता हो, चाहे रिक्शा, चाहे ग्रामीण सेवा, सभी ड्राइवर भाई इस समय कर्जे में डूबे हुए हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, ऐसे समय में सारे काम ऑनलाइन हो जाने के कारण साइबर कैफ़े वालों की तो चांदी हो जाएगी और ड्राइवर भाई तो गरीब होने के बाद भी पिसते ही जाएंगे और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, क्योंकि वो हर काम के डबल पैसे कहाँ से ला के देंगे। अथॉरिटी में तो हमारा काम फ्री में हो जाता था। तो दोस्तों एक ये कैलाश गहलोत जी ने जानकारी दी है, फेसलेस सर्विस की तैयारी का जायज़ा लेने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सभी MLOs के साथ बैठक की, ये सभी फेसलेस सर्विस 11/8/2021 को चालू हो जाएंगी। तो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारी अथॉरिटी के MLOs के साथ इन्होंने बातचीत पूरी कर ली है। और मैं बता दूं दोस्तों, आपको क्या क्या काम अब ऑनलाइन करने पड़ेंगे उसकी जानकारी यहाँ पर है। केजरीवाल सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाओं की तैयारी पूरी कर ली है। परमानेंट लाइसेंस के लिए, परमानेंट लाइसेंस के लिए होने वाले ड्राइविंग टेस्ट और गाड़ी की फिटनेस संबंधी सर्विस को छोड़कर परिवहन विभाग की बाकी सभी सेवाओं को नए सिस्टम के दायरे में लाया जा रहा है। वो कौन कौन सी सर्विस हैं जो आपको ऑनलाइन मिलेंगी, उसमें है सबसे नंबर वन पे है दोस्तों लाइसेंस रिन्यूअल। अगर आपको अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है
तो अब आपको अथॉरिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका काम ऑनलाइन ही होगा, अथॉरिटी में नहीं होगा। दूसरा काम है दोस्तों ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप दोस्तों ये होती है कि जो गाड़ी का मालिक होता है वो गाड़ी बेच देता है तो उसकी आरसी हमें ट्रांसफ़र करानी पड़ती है, उसी को कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। तो ये काम भी अब आरसी से जो है किसी का भी ट्रांसफ़र ऑनलाइन बड़े आराम से अब हो सकेगा, इसके लिए भी आपको अथॉरिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है दोस्तों लाइसेंस में एड्रेस चेंज। अगर दोस्तों आपने अपना घर बदल लिया है, जैसे आप किराए पर रहते हैं आपने कहीं और मकान ले लिया है किराए का, या फिर आपका अपना मकान था बेच दिया है और कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप अपने लाइसेंस पे एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो वो भी अब ऑनलाइन बड़े आराम से हो जाएगा। डुप्लीकेट लाइसेंस। डुप्लीकेट लाइसेंस दोस्तों ये होता है जैसे आप कहीं जा रहे हैं अपनी गाड़ी से नहीं, बस से, मेट्रो से, या फिर आप कहीं पैदल भी जा रहे हैं, या तो आपका लाइसेंस पर्स में रखा होता है और वो पर्स या तो चोरी हो जाए या कहीं गिर जाए, या फिर आपका लाइसेंस जो होता है वो बिल्कुल घिस जाए, पुराना हो जाए, उसमें कुछ भी साफ साफ दिखाई ना दे, तो इसी कारण की वजह से हमें डुप्लीकेट लाइसेंस निकलवाना पड़ता है। वो डुप्लीकेट का मतलब ये होता है उसकी कॉपी होती है, वो भी मान्य होता है, वो अथॉरिटी से ही मिलता है, तो दोस्तों उसको भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। चौथा मैं बता दूं आरसी सहित सब तमाम सर्विस अब घर बैठे मिल सकेंगी। आरसी आपको बनवानी है वो भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, आपको अथॉरिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे काम आपको हो जाएंगे सारे ऑनलाइन। इन सभी सर्विस से संबंधित परिवहन विभाग की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए MLOs के साथ इनकी बैठक हुई है और 11 तारीख से ये पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने ये सब चीज़ें समझ ली होंगी। अब हम ड्राइवर भाइयों को अथॉरिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं, तो कुछ भाइयों को इससे फ़ायदा है, कुछ भाइयों को इनसे नुकसान है, फ़ायदा नुकसान मैंने आपको दोनों बता दिए। चलिए दोस्तों यही थी आज की जानकारी। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मैं कभी भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी से भरपूर वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं बता दूं दोस्तों मैं हमेशा महत्वपूर्ण जानकारियों के ऊपर ही वीडियो बनाता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन को दबा के रखेंगे तो दोस्तों जब भी मैं जानकारी दूंगा उसका तुरंत मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा और वो जानकारी आप तुरंत देख लेंगे। कई बार जानकारी ऐसी होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसका कुछ टाइम मिलता है 2 दिन 4 दिन 6 दिन, और आपको जानकारी ना मिलने के कारण आप वो काम नहीं कर पाते हैं और आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दिया करें ताकि आपको तुरंत मैसेज मिल जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।